दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को एकात्मता सप्ताह के रूप में शोध पीठ के सभागार में आयोजित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे एकात्मता सप्ताह के पहले दिन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रत्यूष दुबे, डॉक्टर रंजना लता सहित छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुरनी से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता ने कहा, आज से ये जो है हम लोगों ने दीनदयाल जयंती, सब आप जानते हैं कि आप दीनदयाल पढ़ाते भी हैं और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। नहीं जानता मैं तो खाली विषय के बारे में जानता हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि ये अधूरे हैं। दीनदयाल जी के जो कसूरे सिद्धांत हैं उनको मानव दर्शन के नाम से जाना जाता है। एकात्म मानव दर्शन शब्द वे सारे कांस थे और इसके बाद आप लोग भी दीनदयाल जी के बारे में जो जानते हैं, आप जो है संस्कृत विभाग में है इस पूरे कार्यक्रम के लोगों की योजना की गई है, इसमें आप हमने बहुत सारे ऐसे विचार दीनदयाल जी के आएंगे जो लगता है कि आपकी आप से कोई जो दीनदयाल जी के बारे में जानना चाह रहा है, जो भी जानना चाह रहा है, पूरा पूरे विश्वविद्यालय के नामकरण के बाद यह विश्वविद्यालय इसी नाम से जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय जी हमारी भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के नायक हैं और भारतीय राजनीति में भारतीय तत्व या भारतीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करने वाले एक महान भारतीय राजनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। मथुरा के पास होता है और 10 फरवरी 1968 को दीनदयाल उपाध्याय जयंती और यहाँ के सभी लोगों को प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता, निदेशक दीनदयाल शोध पीठ गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज हम सब यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल शोध पीठ के तत्वाधान में दीनदयाल जी की जयंती को एक सप्ताह के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और आज का जो कार्यक्रम है वह आज दीनदयाल जी की जयंती का जो हम लोगों ने सप्ताह तय किया है, एकात्मता सप्ताह करके उसको नाम दिया है, आज पहला दिन उसमें है। और आज के दिन में सभी छात्र छात्राएं, प्राध्यापक बंधु जो दीनदयाल शोधपीठ से जुड़े हुए हैं और दीनदयाल शोधपीठ के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों की एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। दीनदयाल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा विषय लेकर आज यहाँ छात्र छात्राएं तथा यहाँ उपस्थित प्राध्यापक बंधु इस पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर जो हम लोगों ने एकात्मता सप्ताह दीनदयाल जी की जयंती को मनाने का उद्देश्य लिया है, वह कार्यक्रम 19 आज प्रथम दिन है आज से लेकर और दीनदयाल जी की जयंती 25 को पड़ती है उस तक चलेगा, यानी 19 से 25 तक एकात्मता सप्ताह के रूप में दीनदयाल जी के विचारों, दीनदयाल जी के कृतित्व, दीनदयाल जी के जीवन मूल्य के बारे में लेकर हम लोग लगातार 7 दिन कार्यक्रम करने वाले हैं।